सैयद आकिब अल हुसैनी साहब के जन्मदिन के मौके पर हम सभी लोग यहाँ पर गरीब लोगों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए हैं। जैसे कि आकिब साहब का ये कहना है कि जब तक वो रहेंगे गुलबर्गा शहर के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उसी में हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस छोटे से कंट्रीब्यूशन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र बारगाह बंदा नवाज सैयद आकिब बाबा हुसैनी साहब आपके जन्मदिन के खुशी के मौके पर बारगाह बंदा नवाज शरीफ के पास उमर फारूक साहब और तबरेज भाई उनकी टीम की जानिब से गरीबों में आज खाने का इंतज़ाम किया गया। इसी तरह मदरसे में भी आज खाने का इंतज़ाम किया गया उमर भाई और तबरेज भाई उनकी टीम की जानिब से। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि शायद और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सब की दुआओं को अल्लाह पाक कबूल करें, आमीन। आपकी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है अपनी तकदीर उनको आसमानों में। सैयद आकिब अल हुसैनी साहब क़िबला का जन्मदिन है, योम पैदाइश का दिन है, जो औलाद बंदा नवाज है, हमेशा हमेशा जो है कौम व मिल्लत की खिदमत करते आ रहे हैं। ये लॉकडाउन में ऐसे हालात थे, लोग परेशान थे, ऐसे लॉकडाउन में आपने राशन तकसीम किया है, मास्क तकसीम किया है, सैनिटाइजर तकसीम किया है, और जो है पीपी किट्स, ऑक्सीजन और कोविड पेशेंट्स की भी आपने मदद की है। आकिब अल हुसैनी साहब जो है हमेशा गरीबों की कौम व मिल्लत के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम बारगाह बंदा नवाज के सामने ठहर कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि सैयद आकिब अल हुसैनी साहब को और कौम व मिल्लत के काम करने की तौफीक अता फरमा, और दुआ गो हैं कि अल्लाह जो है उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, और जो है उनकी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो हर एरिया में काम कर रही है, अल्लाह उनके हौसले को बुलंद फरमा। और आकिब अल हुसैनी साहब के यौम पैदाइश के मौके पर हम दिल की अमीर गहराइयों से आकिब बाबा को मुबारकबाद पेश करते हैं।